और उनके पपीज में से जो ऐसा पपी होगा ना जो उन सबसे तगड़ा बनेगा मैं उसको लेके आऊंगा गाइस। जो फैनी का पपी होगा ना वो सुल्तान से भी बहुत ज्यादा तगड़ा बनने वाला है। मजा आ जाएगा फैनी का पपी देख के। हरिया भैया मैं मनाली जा रही हूँ। कल मनाली जा रही है। अरे अभी तो देवी से आए, दोबारा से मनाली जा रही है गाइस। ये देख लो भाई, कल ही वैष्णो देवी से आए हैं और कल मनाली जाने की बात कर रही है। ट्यूशन के साइड से, ट्यूशन की साइड से जा रही है। तो कल मनाली तेरा फाइनल हो गया? फाइनल है, कंफर्म। तो अभी किस लिए आई है? आपको मनाने आई भैया, आप भी चलो। मैं भी चल लूं गाइस। ये देख लो भाई, रिया कह रहे हैं कि भैया आप भी चलो मनाली। कहाँ कहाँ जा रहे हो? कासोल जा रहे हैं, मनाली रोहतांग। बर्फ में भी जाओगे? बर्फ में जाएंगे। ओ भाई, तो गाइस रिया ना भाई ट्यूशन की तरफ से मनाली जा रही है, कसोल और रोहतांग भी जाएगी भाई। बर्फ में भी जाएगी। डीजे नाइट भी है। डीजे नाइट भी है, बोन फायर भी है। बोन फायर भी है। आप चलो भैया, मजे आएंगे। तू क्यों एक्साइटेड हो रहा है? अभी मैंने हावी भरी है। मम्मी से पूछना पड़ेगा, तू भी जाएगा? और क्या, क्यों नहीं? कपड़े भी दिला लाऊं? अभी कपड़े दिला लाऊं? हाँ। फिलहाल इसको कपड़े दिलाने चलते हैं, शाम को फैनी के पप्पी के पास भी चलेंगे। तो भाई फिलहाल मैं खा रहा हूँ खाना। आज खाना रिया ने बनाया है। आज खाने में आलू की सब्जी, पूरी, दही और चने। ये देखो भाई रिया ने पूरी कैसी बनाई है। पापड़ी बनाई है, पूरी नहीं बनाई इसने। जैसे गोलगप्पे होते हैं ना वैसे है। आज तो गाइस भल्ले पापड़ी खाएंगे मस्त। ये ठीक लग रही है, ये कर क्या रहा है? तो भाई रिया को तो कपड़े दिला दिए हैं और गाइस अभी जा रहे हैं ड्यूक के पास, चाचा के घर पे। रिया ना भाई कभी ड्यूक को पकड़ती नहीं है, ड्यूक से बहुत ज्यादा डरती है। आज ना रिया और ड्यूक की फ्रेंडशिप करवाएंगे और गाइस ये देखेंगे भाई ड्यूक को संभाल पाएगी या नहीं संभाल पाएगी। डरती थी हमेशा, आज तेरी फ्रेंडशिप करवाएंगे। ना भाई, तेरे लिए तेरा जो जो बहुत है। नहीं ड्यूक से फ्रेंडशिप करियो, ठीक है? ये देख क्या एक्टिंग कर रही है, कह रहे मैं जो जो हूं। ठीक है, जो जो बन के दिखा प्लीज। ड्यूक को निकाल रहे हैं, रिया की फ्रेंडशिप करवाएंगे ड्यूक से। भाई अरे खोल नहीं रहा मैं, अरे खोल नहीं रहा मैं ड्यूक को। कुछ भरोसा नहीं है, पाड़ेगा नहीं ये। फ्रेंडशिप कर ले। ये तो गाड़ी पे चढ़ गई, डर रही है ये। चिकी को दूर कर, ले रिया दोस्ती कर ले। इतना क्यों डर रही है? धीरे धीरे आजा, कुछ नहीं कहेगा, मैं दोस्ती करवा दूंगा। आजा। सो गाइस आज फाइनली रिया की दोस्ती करवा देंगे। ड्यूक कुछ मत कहियो, ठीक है? आजा नीचे उतर जा, आजा आजा। हाँ टाइट पकड़ रखा है पूरा। चीकी तू तो हट जा रास्ते में, तेरे को बुड़का भर लेगा ड्यूक। चल ड्यूक आराम आराम चल, आजा आजा। फैनी से तो जल्दी दोस्ती कर ली तूने। ओ भाई डर रही है। सो गाइस ड्यूक ने रिया को कुछ भी नहीं कहा। कोई भी होता ना इतनी देर में तो पहाड़ के फेंक देता उसको। दे दे दे, कब कुछ नहीं कह रहा। अब तू पकड़। ओए सो गाइस ये देखो भाई, फाइनली रिया और ड्यूक की दोस्ती हो गया। अब ड्यूक अब रिया को कुछ भी नहीं कह रहा और चीनू को चाटे जा रहा। सूंग रहा तेरे को, खुशबू लेने दे इसको। छोड़ मत दे इसको गलती से भी। छूट गया तो किसी को देगा ये। हाथ में बांध ले इसको, ले मैं तो गिर पाऊंगी। फाइनली रिया ड्यूक को घुमा रही है। ओ भाई अबे छेड़ कर रही है ये, कोई कुत्ता है ना, ध्यान से। ओ भाई चल ड्यूक आजा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ रिया रिया गिर जाएगी। अरे जा, ओ अरे यार रिया रिया गिर जाएगी। रुक जा, ओ ओ अरे यार क्या हो गया तेरी वजह से, हुआ क्या आसरा है? तो ये देखो भाई रिया को ना ड्यूक ने खींच लिया। ये खड़ी हो जा जल्दी। ओ भाई क्या हाल हो गया रिया का। ठीक है रिया की चप्पल उठा के लाई। ये क्या कर रहा है? ये देखो इस बच्चे भी खड़े हो गए, देख रहे हो क्या क्या? हड्डी टूट गई। कहाँ पे लगी? ओ भाई डॉक्टर के लेके जाऊं? जब तू ट्यूशन आएगा ना पढ़ने, तब रिया तेरे को बताएगी, सारा पतला उतारेगी। ओए चिकी को दूर कर। ये देखो भाई ड्यूक ने रिया को आसानी से खींच लिया। अरे नहीं, ओए ओ छूट जाएगा दोबारा से। यूं थोड़ी है कि भाई इस जैसा पिटबुल पूरे भादुरगढ़ में नहीं है, सबको खींच के ले जाता है तो खिंचवाएगा सबको। ओए ओए ओ पकड़ ले। ओ भाई घोड़ी दिख किसको, ये छोड़। ये क्या हो गया? ड्यूक ने घोड़ी के पैर पे हमला कर दिया। भाई घोड़ी तो कुछ भी नहीं है फिर इनके सामने। अरे ड्यूक फिर वो ले जा इसको। ओ ड्यूक, ओ भाई, ओ भाई, ओ ड्यूक, ड्यूक, ओ भाई, आ ड्यूक, ड्यूक। सो गाइस वो तो मैं बीच में आ गई, तो भाई रिया को खींच के ले जाता और घोड़ी को पाड़ देता। सो गाइस ये देखो भाई क्या हो गया। ये देखो गाइस भाग दौड़ में ना मेरी जेब फट गई और मेरी चाबी जेब से निकल के पैरों में आ गई। चीकी बार बार चीनू रिया को खिंचवा रहा है, क्या करें? पापा से पिटा दूंगा। पापा से पिटवा देगी चीनू को? अगर चीनू ने दोबारा रिया को खिंचवाया ना ड्यूक से तो चीकी पापा से बता देगी और पिटवा देगी चीनू को। कैसे मारेंगे फिर पापा आपके? ऐसे लगेंगे कमरे में रोक के उल्टा टांग देते चीनू को। ओ भाई और कैसे पिटाई करते चीनू की चाचा? उठा के तो गाइस तुम देख रहे हो भाई चीकी कैसे बता रहे कि भाई चाचा चीनू की कैसे पिटाई करते हैं। मेरे को भी भाई आज ही पता चल रहा है। वैसे गलत बात है, ऐसे पिटाई नहीं करनी चाहिए ना, या करनी चाहिए? करनी चाहिए पिटाई। हाँ। क्यों भाई ना मुझे मारता है। अच्छा चीनू तेरे को मारता है? आरो, 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 आरो। यार हाथ
उसकी उंगली टूट जाएगी। रुक मैं चीनू को बताता हूं। तो गाइस ये देखो भाई गिल्ली मिट्टी में ड्यूक के पैरों के निशान कैसे हो गए, बड़े निशान लग रहे हैं, जितने बड़े शेर के निशान होते हैं। पैरों के निशान है किस जैसे लग रहे हैं? व्यू शेर जैसे लग रहे हैं। ड्यूक को अंदर करेंगे, जल्दी प्लॉट खोल और फिर कमेंट्स पढ़ेंगे आईपैड किसको देना है। कितना खुश हो गया आईपैड के नाम से। इसको नहीं मिलना वैसे। इसको नहीं मिलना? तूने कमेंट पढ़ी है? मैंने बहुत सारी पढ़ी है। बहुत सारे कह रहे कि भाई चीनू को दे दो, सबसे ज्यादा कह रहे कि भाई रिया को दे दो, आधे कह रहे कि भाई आप खुद रख लो किसी को मत दो। तो गाइस ड्यूक को भी आराम कर रहा है, ड्यूक को भी अंदर ले जाते हैं। चल अंदर। ओ ड्रैगन आ गया बाहर। ओ ड्रैगू बाहर आ गया। ड्रैगू। सो गाइस ड्यूक ना भाई ड्रैगन पे गुस्सा हो रहा है। ओ भाई। ओ ओ ओ ओ ओ भाई। ओ भाई। ओ ओ ड्यूक मार लेगा। ले जा इसको। ओ भाई। तो गाइस ये देखो भाई ड्रैगन ना परेशान कर रहा है ड्यूक को। ड्यूक ना अपना बड़प्पन दिखा रहा है, इसको पार नहीं रहा। ड्यूक ना अपना छोटा भाई समझ रहा है, इसको पार नहीं रहा। जाओ। क्या हो गया? आंटी डर गई। So guys, अभी फाइनली टाइम हो गया 7:11 और guys, आज फाइनली आईपैड की कमेंट्स पढ़ेंगे। किसको आईपैड मिलेगा? क्या लगता है किसको मिलेगा? मेरे हित में जाएगी। तेरे हित में जाएगी बात। yes. ठीक है, किसको मिलेगा? तुझे मिलेगा, तू तो है ही नहीं लिस्ट में। चीनू तू बता किसको मिलेगा? मुझे नहीं लगता। वो तो कमेंट्स बताएगी ना भाई किसको मिलना है किसको नहीं मिलना। दीदी एटीट्यूड में, दीदी को नहीं मिलेगा, दीदी क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है। तो भाई कमेंट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई पहला कमेंट रमेश भाई का है, निक्कू भाई चीनू को दिलाना। एफएफ मैक्स भाई ने करी है, वो कह रहे कि भाई रिया। मैंने भाई पहले 20 कमेंट्स पढ़ूंगा, जिसकी ज्यादा कमेंट्स होगी ना उसी को आईपैड मिल जाएगा। विष्णु भाई ने करी है, रिया को दे दो आईपैड प्रो। ओ भाई लॉजिकल गेमर भाई की चीनू का है, बराबर हो। जतिन भाई कह रहे कि भाई निकू चीनू को मत दो, रिया को दे दो। तीन हो गए मेरे। युगम भाई कह रहे कि भाई रिया को देना चाहिए, सब कह रहे कि भाई रिया को दे दो, क्या करें? कमेंट लिख दो ना। आपकी कमेंट लिख दूं? ओ भाई एफ बंदा भाई कह रहा है कि भाई रिया को दे दो। ओ भाई जीजी भाई बोल रहे हैं कि भाई चीनू को दे दो। सरला भाई ने कह रखी है कि भाई रिया चीनू को दे दो। इंद भाई कह रहे हैं, विशु भाई कह रहे हैं भाई चीनू का। नदिया भाई बोल रहे हैं कि भाई प्लीज गिव चीनू, चीनू को दे दो। 50-50 कर लो, रिया दीदी को दे दो। हाफ यूज करेंगे आईपैड को, हाफ कर दो, हाफ हाफ मिलना चाहिए। हाफ चीनू को और हाफ रिया दीदी कर लो। हाफ हाफ भाई हाफ करो, हाफ डे हाफ डे, हाफ हाफ बोल रहे सब है ना, सब हाफ ही बोल रहे। तो भाई यही आइडिया ठीक है, दोनों हाफ हाफ यूज कर लेंगे। चीनू पढ़ाई में डल भी नहीं होगा, फ्यूचर में चीनू को अच्छा सा आईपैड दिलाएंगे। चीनू के हिसाब का मेरा फोन रखा रहता है, बिना बताए फोन उठा के गेम खेलने लग जाता है ना, है ना? अब कह रहे ये तो है, और इसको गेमिंग लैपटॉप दिलाया था, पूरे दिन उसमें लगा रहता है, GTA 5 खेलता रहता है। चाचा ये कैसे घूम रहे हो? गर्मी ज्यादा हो रही है यार, जब तक का टेंपरेचर था। चीनू आपका फोन बिना बताए लेके गेम खेलता है ना पूरे दिन? खेलता, मैं डांटता हूं। तो गाइस जो मैंने पिछली बार तुम्हें गाड़ी दिखाई थी ना, जो मैं डिजाइन कर रहा था, उसके अलावा मैं एक और गाड़ी डिजाइन कर रहा हूं। ये देखो गाइस, ये गाड़ी डिजाइन कर रहा हूं मैं, अभी साइड का डिजाइन बना है, साइड में से ऐसे दिखेगी गाड़ी। ये तो बहुत मस्त लग रही है, इसको ना भाई चारों तरफ से बनाऊंगा पूरा 3D में, और फिर देखते हैं भाई ये गाड़ी कैसी लगेगी। रेसिंग कार लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, मस्त से मस्त स्ट्रक्चर अच्छा है इसका। तो भाई अभी फाइनली चीनू कपड़े पैक कर रहा है अपने घर के। ये क्या है? ड्यूक भाई जो जो पढ़ने लगे तो। So guys, अभी जा रहे भाई फैनी के पप्पी को देखने। पहला के पप्पी देख के आए थे ना, वो एक महीने से ऊपर थे, और भाई ये जो पप्पी फैनी के सिर्फ 14 दिन के हैं। और भाई कैसे हो? बढ़िया। फैनी कैसी है? पहला के पप्पीज में देख के गया, उससे ही बहुत ज्यादा एक्टिव है, सुपर है। ओ भाई अलग ब्लड लाइन है, कोई आगे से अटैक करता है तो हाथी है। देख लेना भाई कभी फैनी काट ले तुमको, है तो नहीं फैनी यहाँ पे? देखो भूख रही है वो भी। ओ भाई कोई भूख रहा है, किसकी आवाज है? वहाँ से बेला, यहाँ से जारा, और यहाँ पे फैनी भौंक रही है। ओ भाई भागने की भी जगह नहीं है, इसको ना फैनी के रूम में बंद कर देते हैं, ठीक है? आधे में आएगा, जितने तेरे हाथ है ना, इससे मोटे तो फैनी के हाथ है। सो गाइस फाइनली ये आ गया फैनी का पप्पी। ओ भाई उसकी आंखें कैसे चमक रही है। ओ भाई 14 दिन के कितने बड़े पप्पी। सो गाइस ये देखो भाई 14 दिन के कितने बड़े बड़े पप्पी, 2 दिन पहले ही खुली है इनकी आंखें। इतना छोटा बच्चा इतना एक्टिव होता नहीं, छोटी जीप निकली हुई है ना इनकी। देखो देख कैसे देख रहा है तेरे को, काट रहा है मुझे। कौन सा नाम याद आ रहा है इनको देख के? इतना ना, ड्रैगन 35 दिन का था, जितने ये 14 दिन के हैं, बहुत बड़े पपी चाहिए। 30-35 दिन में ना बहुत मस्त हो जाएंगे भाई, मजा आ जाएगा। पहली बार दवाई मिलाई ना, हाथ हिला दिए उन्होंने, तेज से काट रहे तो इनके दांत भी नहीं आए अभी तक, पंजे पंजे मार रहे, पूरे काटने लग रहे हैं भाई मतलब। तो कैसे देखो भाई फनी के पास सब दूर दूर खड़े हैं, बहुत क्यूट सा लग रहा है मेरे को ये। अच्छा अरे कितना तगड़ा बने हुए हैं देखो भाई, इसकी आईज भी बहुत ज्यादा ब्लू है, मस्त लग रहा है भाई देखने में। 2 दिन पहले इनकी आंखें खुली है, देखो कितने एक्टिव है, 1 महीने के होंगे, अल्लाह मचा देंगे पूरा। ये ना भाई बहुत ज्यादा पसंद आ गया, छोड़ ही नहीं रही है, घर लेके चलेगी अभी इसको। ओ भाई फैनी मान ही नहीं रही है, फसल देखो गाइस फैनी की कितनी खतरनाक, फैनी बहनू फैनी कितनी ज्यादा खतरनाक है। सो गाइस ये देखो भाई शिट्टू ना भाई बाथरूम के पास में खड़ा है, कैंडल पकड़ के भाग जाएगा सीधा। ओ भाई ओ 40वें दिन पे लेने आऊंगा इनको, और जो सबसे बेस्ट होगा ना वो लेके जाऊंगा, डबल ट्रिपल हो जाएंगे। अभी सही 1800 ग्राम के है भाई, जो फैनी का वेट है ना वो 60 किलो से भी ज्यादा है, ये रिया का भी 40 किलो वेट है। ये देखो भाई रिया पूरा ना लाड कर रही है इनको, तो बैठा
कुछ और इसके पास आके बिल्कुल शांत हो गया ये। हाँ भाई फैनी के पप्पी। हाय फैनी। चल ठीक है भाई भाई संभाल के रखना मेरा फैनी का पप्पी, लेने आऊंगा भाई। तो भाई फैनी के पप्पी से तो फाइनली मिल ली है। 14 दिन के पप्पी ना भाई इतने ज्यादा बड़े मैंने कहीं भी नहीं देखे। जब ये 1 महीने के होंगे ना बेला के पप्पी से भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, बहुत ज्यादा लंबे जाएंगे। जब भैया इन पप्पीज को डॉक्टर के पास लेके गए थे ना तो भाई डॉक्टर ने फोटो खींची थी इनकी। डॉक्टर ही बोला कि भाई इन जैसे पप्पी ना मैंने कभी नहीं देखे। 2 दिन पहले ही इनकी आंखें खुली है। 14 दिन के पप्पीज ना मतलब इतने इतने होते हैं छोटे छोटे। गाइस इनको देख लो गाइस, मेरे से ना वेट नहीं हो रहा कब 40 दिन के होंगे ये और कब मैं इनको लेके जाऊंगा, उस टाइम में देखने लायक होंगे। भाई सबकी नीली आंखें हैं। और गाइस फिलहाल अभी घर पे जा रहे हैं। सो गाइस ना चुका हूँ अपने रूम में और गाइस आज मैंने फाइनली फैनी के पपीज बुक करवा दिए। मतलब गाइस जब से मैंने फैनी देखी थी ना तब से ही मैंने सोच रही थी कि भाई मैं फैनी के पपीज लूंगा, इस जैसे इंडिया में कोई भी नहीं है। और गाइस उसको ऐसा बनाऊंगा कि पूरे इंडिया में किसी के पास ना हो। और भाई आज मैं फैनी से भी मिला, पूरी ब्लैक पैंथर जैसी हो रखी है, बहुत ज्यादा तगड़ी, बहुत ज्यादा खतरनाक। और गाइस जो भी फैनी का सबसे तगड़ा वाला बच्चा होगा ना वही वाला लूंगा मैं, ताकि भाई वो फैनी से भी बहुत ज्यादा तगड़ा बने। समझ लो फैनी कितनी लंबी और तगड़ी है, ऐसा डॉग जो फैनी से भी लंबा और तगड़ा हो जाएगा कैसा लगेगा। और गाइस वैसे ना भाई पिटबुल की बाइट फोर्स होती है 250 के आसपास, अर्जेंटिनो की होती है 550 के आसपास, और भाई केन कोर्सो की होती है 700 के आसपास। देख लो भाई केन कोर्सो क्या चीज होता है। तो भाई फैनी के पपी का अभी से नाम सोचने लग जाओ तुम, कोई ना मस्त सा नाम बताओ, एक नंबर का लगे, डेंजरस और खतरनाक। गाइस फ्रॉड होने के बाद ना मेरे को एक चीज समझ में आई, मतलब गाइस इस लाइन में ना लोग प्योर कुत्तों की कहानियां सुना के मिक्स कुत्ते बेच देते हैं। जैसे कि डोगो अर्जेंटिनो ने शेर से लड़की को बचा लिया, केन कोर्सो बुला लिया शेर को मारने के लिए। मतलब भाई ऐसी ऐसी सच्ची कहानियां सुनाएंगे तुम्हें। ऐसी ऐसी चीजें जो होती है ना वो गाइस सिर्फ प्योर कुत्तों के साथ होती है। जो भी बाइट फोर्स गूगल पे दिखा रखी है ना वो सिर्फ एक प्योर कुत्ते पे और प्योर ब्लड लाइन पे डिपेंड होती है। बाकी गाइस लोग ना भाई मिक्स कुत्ते बेच देते हैं, डोगो अर्जेंटिनो बोल के, केन कोर्सो बोल के कहानियां रियल कुत्तों की सुनाते हैं और बेच देंगे मिक्स, जिनकी बाइट फोर्स ना प्योर कुत्तों से आधी भी नहीं होती। फ्रॉड होने के बाद ना मेरे को ये सब चीजों का पता चला, ये चीजें भाई तुम भी ध्यान रख लेना। तो भाई अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, कल ना भाई मनाली जाने का प्लान बनाया रिया ने। तो गाइस मैंने ना भाई मम्मी से बात करी है, मम्मी कह रही है भाई मर्जी है कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तुम कमेंट करके बताने भाई जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो भाई फिलहाल तो मैं करूंगा एडिटिंग और गाइस एडिटिंग करने के बाद जाके मैं सोऊंगा, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।